नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने ब्लॉग आज की यात्रा में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार पुनः मैं मौजूद हूं धर्मनगरी चित्रकूट में। अगर चित्रकूट की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है और कई वीडियो मैंने बता भी रखा है कि चित्रकूट एक ऐसा ज़िला है जो दो राज्यों में विभाजित है, आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश और आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश। और जिस जगह पर मैं आज मौजूद हूँ ये मध्य प्रदेश जोन के अंतर्गत आता है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। और जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं ये गुप्त गोदावरी है, ये रामायण काल से जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास है। अभी लेकर चलेंगे गुफा के अंदर और बहुत सारे रहस्यमयी स्थान हैं, बहुत सारी रहस्यमयी गतिविधियाँ हैं जो कि रामायण काल से जुड़ी हुई हैं। तो अभी हम लेकर चलते हैं आप लोगों को गुफा के अंदर और आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकेगी हम यहाँ के जो पंडा पुरोहित हैं उनके द्वारा आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और लेकर चलते हैं गुफा के अंदर। तो आइए यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और लेकर चलते हैं गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर और यहाँ से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करते हैं और दिखाते हैं कि यह स्थान कैसा है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी चलते हैं गुफा के अंदर। और ये आप देख सकते हैं इधर बड़े विशालकाय शिलाएं हैं, यानी पत्थर हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए गुप्त गोदावरी का जो जल है कुछ इस तरह से बहता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर मनमोहक और आकर्षक नज़ारा है। तो सबसे पहले देर न करते हुए हम आइए चलते हैं गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर और अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से मैं दिखा दूँ कि जो श्रद्धालु हैं जिनकी आस्थाएं इस स्थान से जुड़ी हुई हैं कुछ इस तरह से आकर कतारबद्ध खड़े होकर यहाँ पर दर्शन के लिए लालायित हैं और दर्शन करने के इंतजार में खड़े हैं। और यहाँ से हम प्रवेश करते हैं, ये प्रथम गुफा है, ये आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये प्रथम गुफा है। और अभी इसी गुफा के जरिए हम अंदर चलते हैं और आप लोगों को ये देख लीजिए ये है गुफा, अंदर चलते हैं और आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं। यहाँ से जुड़ी तमाम जो जानकारियाँ हैं वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों अभी हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आ भी चुके हैं। तो अभी हम गुफा के अंदर हैं, गुफा के अंदर की बात करें तो काफ़ी विशालकाय गुफा है और यहाँ पर जो पत्थर हैं उन पत्थरों की जो संरचना है वो बिल्कुल अलग तरीके से है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता उनको देख कर कि ये पत्थर हैं। तो अभी सबसे प्रथम दर्शन इधर है तो हम इधर अवलोकन करवाएंगे ये। तो सबसे प्रथम दर्शन, जैसे ही आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला जो दर्शन होता है वो राम दरबार का होता है। तो सबसे पहले हम आपको इधर अवलोकन करवा दें, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये है राम दरबार। यहाँ पर माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। और गुफा की बात करें तो एक बार मैं कैमरा ऊपर करके आप लोगों को गुफा का अवलोकन करवा दूं। काफ़ी अलौकिक, काफ़ी दिव्य स्थान है ये। और कारण यही है कि लोगों की आस्थाएं यहाँ से इतनी ज़्यादा जुड़ी हैं कि आए दिन श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ लगी रहती है, तांता लगा रहता है। और ये सामने शायद गुफा ही है लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। तो अभी चलते हैं हम दूसरे छोर में और वहाँ से अवलोकन करवाते हैं गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर कितने रहस्य हैं रामायण काल के। और एक बार ये आप पुनः अवलोकन करें, ये आप देख लीजिए ये गुफा है और गुफा के जो पत्थर हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी विशालकाय गुफा है ये। और ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अभी हम बातचीत भी करते हैं, हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो परस्पर यहीं के रहने वाले हैं। और ये हम आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं ये अभी हम गुफा के अंदर हैं और गुफा के जितने भी रहस्य हैं ये हमारे साथ भाई साहब हैं, ये हमें दर्शन करा रहे हैं पूरे स्थलों का। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम जितने भी यहाँ के रामायण काल के धार्मिक स्थल हैं उनका अवलोकन करवाते हैं। ये हमारे साथ भाई साहब हैं, ये हमें प्रत्येक स्थलों का अवलोकन करवाएंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। जी बताएं। सर, ये सतीम सुइया की छोटी बहन सती सुइया हैं, इनका
उद्गम स्नान मतलब जो माता गुप्त गोदावरी है उनको प्रकट करवाने वाली है सतीम सुइया की छोटी बहन सती सुइया। ये नाग ऋषि की पत्नी है। बताते हैं त्रेता युग में यहाँ पर तपस्या किया करते थे, उसी समय इन गुफाओं का निर्माण हुआ था देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान द्वारा। एक रामायण में श्लोक है कि प्रथमन देवहि गिर गुफा राखो रुचिर बनाए और राम कृपा कछुक दिन वास करेंगे। आइए और आगे बढ़कर चलते हैं, दिखाते हैं। आप सामने तो देख ही रहे हैं सीता कुंड, काफी विशाल काय गुफा है और इस गुफे के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। वो सारे रहस्य आपको दिखाएंगे जो कि सीधा रामायण काल से जुड़े हुए रहस्य हैं। और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये क्या है इसका भी नजारा। ये सर सीता कुंड है, यहाँ वनवास काल के समय में माता सीता जी यहाँ पर स्नान किया करती थी। तो ये आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये सीता कुंड है जी। यहाँ पर माँ सीता जो है स्नान किया करती थी, वनवास काल के समय स्नान किया करती थी, कुछ ऐसा है। और ये जो पवित्र जल है अनवरत इसी तरह बहता रहता है, ये गोदावरी है जी सर, ये गोदावरी है जो नासिक पंचवटी से भगवान श्री राम से मिलने के लिए ये यहाँ पर प्रकट हुई है। अच्छा। ये नदी मनोहर पाप नाशिनी माता गुप्त गोदावरी कहलाती है और नासिक पंचवटी से भ्रमण करते हुए प्रभु राम से मिलने यहाँ आती है। बहुत सुंदर। और ये महाराज जी ने एक चौपाई के माध्यम से व्याख्यान किया इस स्थान का, तो आपने देखा। और ये स्थल भी है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये श्री गंगा गुप्त गोदावरी श्री सीता कुंड है। और ये आप देख सकते हैं, ये है उनका स्थान और यहाँ पर माँ सीता स्नान किया करती थी। और गुफा का अवलोकन तो निरंतर हम आपको करवा ही रहे हैं, काफ़ी विशाल काय गुफा है और काफ़ी बड़ी गुफा है। और इस गुफा के अंदर रामायण काल से संबंधित बहुत सारे जो है अवशेष हैं, तथ्य हैं, जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे लेकर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये माता गुप्त गोदावरी का उद्गम स्नान प्लस धनुष कुंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जी सर, ये माँ गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है और धनुष कुंड के नाम से इसको जानते हैं। धनुष कुंड के नाम से जानते जी सर। तो ये आप देख सकते हैं, ये गुप्त गोदावरी का जो है उद्गम स्थल है और इसको उधर से आएंगे आप जी। तो अभी हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही विलक्षण नज़ारा है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये माता गुप्त गोदावरी का उद्गम स्नान प्लस धनुष कुंड के नाम से इसलिए जानते हैं बड़े बाबू कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धनुष का आकार यहीं पर रख करके यहीं पर ढोया था और यहीं पर प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं राक्षसों का विनाश करूंगा और यहां से डायरेक्ट नासिक पंचवटी गए, वहीं से माता सीता जी का हरण हुआ और सर पे 2.5 साल युद्ध हुआ। तो ये उद्गम स्थल जी सर, एक बार मैं नीचे आकर आप लोगों को अवलोकन करवाता हूँ, आप लोग खबरों में यूँ ही बने रहें। और हम नीचे आ चुके हैं और नीचे आप देख सकते हैं, और ये आप जो सामने देख रहे हैं ये पैसे हैं और ये पैसे उन लोगों के हैं जो अपनी श्रद्धा भक्ति इस स्थान को लेकर रखते हैं और आए दिन जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसी तरह से लोग बाग जो है अपनी खुशियाँ भगवान के प्रति यानी माँ सीता के प्रति और माँ गुप्त गोदावरी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। और नीचे की बात करें तो नीचे हम आपको दिखाने का ये गुफा है और गुफा के अंदर की ये पवित्र जल कुछ इस तरह से बह रहा है। तो और इधर जो है शिवलिंग है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। और ये गुफा तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी विशाल काय गुफा है ये और इसी गुफा को गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है जी सर। ये जो जल है ये उद्गम स्नान अभी यहीं पे है। हाँ। इस गुफा से सेकंड गुफा बाहर निकलने के बाद अच्छा ये किसी भी नदी नाले के रूप में आपको ये जल नहीं मिलेगा, इसीलिए यहीं पे प्रकट और यहीं पे गुप्त, इसलिए इस धाम का नाम गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। और ये अभी हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चल रहे हैं और जैसा कि ये अभी थोड़ा सिर झुका लेंगे, काफ़ी मुश्किल भरे रास्ते दोस्तों। और ये जो नीचे देखेंगे तो माता सीता जी के चरण हैं, ऊपर देखेंगे तो ये जो शिला है ये मयंक का नाम राक्षस है, ये राक्षस है जी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मयंक नाम का राक्षस है जी, खरखटा चोर के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, यही है खरखटा चोर जी सर। आज से 40-50 साल पहले इसको बांस से हिलाया करते थे तो इसमें से खटखट की आवाज़ आती थी, इसलिए खरखटा चोर के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है इसको। वास्तविक में अगर देखा जाए सर तो ये पाप मोचनी शिला है।
पाप मोचनी शिला के नाम से जानी जाती है। और ये स्थान, ये माता सीता जी के चरण हैं। ये माता सीता जी के चरण, जब माता सीता कुंड में स्नान किया करती थी, उनके दिव्य वस्त्र दुष्ट राक्षस चोरी करके भग रहा था, तो लक्ष्मण जी पहरे में थे, तो सख्त वेदी बाण मार कर सर इसको पाषाण की शिला बना दिए। ये जब पाषाण शिला के होने लगे, तब इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से विनय किया कि प्रभु आपने मेरा दंड तो मुझे दे दिया, लेकिन मेरा भोजन क्या होगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसको श्राप दिए थे कि कलयुग में जो दर्शनार्थी मेरे दर्शन हेतु जो आपके दर्शन करेंगे, उनके मानसिक पापों का वचन वही आपका भोजन होगा। भोजन होगा जी सर। इस खटखटा चोर का जी सर, ये आप देख सकते हैं, भगवान श्री राम ने पहले इनको श्राप दिया था जी हाँ, और फिर उसके बाद श्राप से बचने का उपाय भी बताया था कि यानी कि कलयुग में जो दर्शनार्थी जिनके मन में दुष्कपट है, है ना, उनका मतलब आप जैसे हम तुम दर्शन करेंगे तो हमारे मानसिक पाप का भक्षण वही उसका भोजन है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, मैं एक बार उंगलियों का इशारा करते हुए बताऊंगा, ये आप खटखटा चोर को देख रहे हैं, ये खटखटा चोर है। और ये सामने आपने माता सीता को देखा, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड गुफा लेकर चलेंगे, सेकंड गुफा। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से इन मुश्किल भरे रास्तों से निकलना होता है। और अभी जो है हम गुफा के अंदर है, काफ़ी ऊंचाई में थे और निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और आगे चलते हैं। आया हूँ जी, एक बार चलते चलते पुनः मैं आप लोगों को, ये राम दरबार है जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिया राम सुजान, सुनऊ कथा इतिहास की आगम निगम पुराण। बहुत सुंदर, यहाँ पर वेदों में शास्त्रों में भगवान श्री राम ने चर्चाएं की थी जी जी। राम झरोखा बैठ कर सबका मुजरा लेते हैं, जाको जैसी चाकरी ताको तैसा देते हैं। बहुत सुंदर, तो ये आपने सुना कि महाराज जी के द्वारा, उनके सुंदर मुखार बिंदुओं के द्वारा आपने सुना कि चौपाई के माध्यम से किस तरह से उन्होंने सुंदर लहजे में व्याख्यान किया। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भी आप, और श्रद्धालुओं की बात करें दोस्तों, तो देश ही नहीं विदेश तक के पर्यटक, विदेश तक के सैलानी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। तो अभी हम चले हैं यहाँ से, चलेंगे दूसरे स्थल पर और वहाँ पर आप लोगों को अवलोकन करवाएंगे। तो यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख रहे हैं कि बिल्कुल उतने का लाभ नहीं है, और काफी सक्रिय गुफा है। और यहाँ से श्रद्धालु इसी तरह अपनी आस्था और भक्ति अपने भाव लेकर यहाँ पर आते हैं। और एक बार यहाँ से गुफा का नजारा देखें और ओपन करें, काफ़ी बड़ी काफ़ी विशालकाय गुफा है। और गुफा से संबंधित जितने भी रहस्य थे वो हमने आप लोगों के साथ साझा किया, तो अभी हम बाहर निकलने का काम करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है गुफा और अभी हम गुफा से नजर आ चुके हैं। बच्चों का नाम लेकर बेलपत्र पुष्प लेकर जाएंगे और भाई बंधु अपने दाहिने हाथ में बेलपत्र पुष्प लेकर जाएंगे जोड़े के बीच। तो भी कहाँ चल रहे हैं, व्याख्यान करते जाइए। सेकंड गुफा बताते हैं, वो प्रथम गुफा है, ये सेकंड गुफा, ये प्रथम गुफा थी, अब ये सेकंड गुफा है। और अभी हम दूसरी गुफा की तरफ चल रहे हैं। और सबसे पहले पशुपतिनाथ के दर्शन होंगे जी, जो नेपाल में है, सेकंड यहाँ है, सेकंड यहाँ पे है जी सर। भगवान राम माता सीता जी ने वनवास काल के समय में इनका जोड़ी से यहाँ पर पूजन किया है। अच्छा, ये सामने है तो इनकी पांचों आकृतियाँ अलग अलग हैं सर। ये सामने देखेंगे जिसमें बेंदी लगी है, ये आधा स्वरूप माता पार्वती जी का है और आधा भोलेनाथ जी का है। ये अर्धनागेश्वर के नाम से जानते हैं, अर्धनागेश्वर जी सर। दूसरा विमल भाव, जब भोलेनाथ पूजा में विलीन रहते थे, दोनों नेत्र बंद है, इसलिए इनको विमल भाव के नाम से सर जानते हैं, विमल भाव। तीसरा रुद्र रूप, जब राजा दक्ष प्रजापति का विध्वंस किए थे, सती के वियोग में विकराल रूप धारण किए थे, तीनों नेत्र खुला है,
चौथा जटाजूट भागीरथी गंगा जी जटाओं से धारण दिए, और पांचवा शिवलिंग जो मेन प्रतिमा है भोलेनाथ जी की, जो मेन पूजा होती है। तो ये आपने देखा, और ये सेकंड गुफा है पानी वाला, ये प्रवेश द्वार है यानी कि तो ये दूसरी गुफा है, आप देख सकते हैं द्वितीय द्वार है। और अभी लेकर चलते हैं आप लोगों को अंदर, और ये है गुप्त गोदावरी। तुम्हारा पार्ट सब भेज दिया है। और ये गुफा है, और अभी हम गुफा के अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी विशाल काय गुफा है, और इस गुफा से पानी इसी तरह निरंतर बहता रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आप लोगों को गुफा के अंदर। और अभी आप देख सकते हैं कि हम तो जल में चल रहे हैं, यानी कि पानी यहाँ पर है, और काफ़ी अंदर जाना है हमें, काफ़ी विशाल काय गुफा है। और अभी हम चलते हैं और चलकर आप लोगों को अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि अंदर क्या सीन देखने को मिलती है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना पानी है, और हम गुफा के अंदर चल रहे हैं। और अभी देख लीजिए आप कि हम काफ़ी दूरी पर आ चुके हैं, और इसी तरह हमें निरंतर आगे बढ़ना है। और ये हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बच बचा के आना है। ये आप देख सकते हैं ये गुफा है, और गुफा के अंदर से ये पानी इस तरह से बहता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ आप देख लीजिए कि कुछ ऐसा है नज़ारा। और ये है गुफा, और यहाँ पर लोगों की जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो छुपाए नहीं छुपती कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं सामने बच्चे खेलते हैं, काफ़ी अंदर आ चुके हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ें, बेटा आओ अंदर चलो। तो अभी आप देख सकते हैं इधर बच्चे हैं, और ये बच्चे जो है यहाँ पर उछल कूद कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं दोस्तों। और यहाँ से थोड़ा सा ये रास्ता सकरा हो जाता है। और इन पत्थरों की बात करें दोस्तों, तो ये पत्थर पता नहीं कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक, बिल्कुल चिकने हुए पत्थर हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे पत्थर हैं। और अभी हम निरंतर गुफा के अंदर चल रहे हैं, और बिल्कुल लास्ट छोर पर लेकर चलेंगे आपको, और दर्शन कराएंगे माँ गुप्त गोदावरी के। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। बेटा तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, और अभी हम तो ये अभी आप देख सकते हैं, और हम गुफा के लास्ट स्टेज पर हैं। ये लास्ट है, तो अभी हम गुफा के लास्ट छोर पर आ चुके हैं। और ये आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकेगी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो अभी हम गुफा के अंदर मौजूद हैं, और इस स्थान को जो गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। तो महाराज जी हैं, महाराज जी अपना परिचय बताते हुए इस स्थान के बारे में और इस स्थान की महत्वाकांक्षा के बारे में दर्शकों को बताने का प्रयास करें। मेरा नाम सोनू प्रसाद पांडे है। बताते हैं कि वनवास काल में भगवान राम और लक्ष्मण इसी गुफा में स्नान करते थे, निवास करते थे। जो प्रथम गुफा आपने देखा है, वहाँ बताते हैं माता सीता माता स्नान करती थी, निवास करती थी। गंगा गोदावरी को जब नासिक में पता चला कि भगवान श्री राम चित्रकूट में आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने पिताजी के चोरी से आकर के विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए भगवान श्री राम के दर्शन किया, भगवान श्री राम के चरण धुले, और भगवान श्री राम से आशीर्वाद मांगा कि हे प्रभु, जिस गुप्त रूप से मैं यहाँ आपके दर्शन के लिए आई हूँ, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उसी गुप्त रूप से पुनः मैं वापस नासिक को लौट जाऊँ, क्योंकि मैं अपने बिना पिता के आदेश के आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। यही जल आप जो देख रहे हैं, ये जो निकल रहा है, यही जल आपका बाहर जाता है कुंडों में। कुंडों में जाने के बाद जहाँ इसको पुनः धरती मिल जाती है, वहीं पर धरती में समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। हाँ, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये जल, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये जल
यहाँ से कल कल की आवाज भी बह रहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से जैसे ये बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जैसे इसका संपर्क जमीन से होता है तो वहीं पर ये जल विलुप्त हो जाता है। हाँ। और बताना बस, इसीलिए स्थान का नाम भी गुप्त को गोदावरी पड़ा कि यहाँ प्रतिमन देवन गिर गुहार राखी रुचिर बनाए राम कृपा निधि कच्छ दिन वास करेंगे आए। विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं का निर्माण पहले से कर रखा था कि अपना वनवास काल का कुछ समय यहाँ व्यतीत करेंगे। तो ये आप लोगों के समक्ष यहाँ की महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर जैसा कि हमने बताया कि इस वक्त हम गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर हैं और ये दूसरी गुफा है जी महाराज जी। और अभी ये लास्ट दर्शन है और यहाँ से चलेंगे, आप लोगों को दर्शन कराएंगे और दर्शन कराते हुए जो है हम बाहर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है यहाँ का स्थान, ये राम कुंड है और इधर आप देख लीजिए इधर लक्ष्मण कुंड है। ये आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इधर लक्ष्मण कुंड है और ये राम कुंड है ये। और अभी हम आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं और गुफा के काफ़ी दूर हैं हम और ये लास्ट दृश्य हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा दें, अभी हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं और लेकर चलते हैं, ये आपको दिखा दें। नहीं, ये हम आपको दिखा दें, यहाँ से तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल नज़दीक तो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर जाना मना है। और यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जहाँ से गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है वो ये है। और अभी ये जो जल है कुछ इस तरह से ये पावन और पवित्र जल बहता नज़र आ रहा है। और अभी हम लेकर चलते हैं पुनः बाहर आप लोगों को। तो आइए हम पुनः वापस चलते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैं बता दूं कि मैं इस वक्त गुफा के अंदर हूं और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावन बहुत ही सुंदर स्थान है ये। और एक बार इधर कैमरा घुमा के इस जल के प्रवाह को दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं ये इधर से माँ गुप्त गोदावरी आ रही हैं और इधर से जो जल आ रहा है ये राम कुंड और लक्ष्मण कुंड से आ रहा है। और यहाँ पर आकर ये तीनों धाराएँ एक हो जाती हैं। और अभी हम गुफा से बाहर निकलते हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बद बचा के यहाँ से चलना है। और अभी हम बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के बाद यहाँ के जितने भी धार्मिक पौराणिक स्थल होंगे उनका अवलोकन आप लोगों को करवाएंगे दोस्तों। और अभी हम वापस चल रहे हैं और जैसा कि हमने आपको अवलोकन करवाया और यहाँ के जो साधक थे, जो यहाँ के संत हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे हमने आपको मिलवाया। और अभी हम बाहर आ चुके हैं और चल रहे हैं ऊपर। ये आप ऊपर देख लीजिए, एक बार मैं वापस होते हुए ये ऊपर की तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये शेषनाग की तस्वीरें हैं, शेषावतार। ये आप सामने तस्वीरों में तीन फन हैं ये आप देख सकते हैं इधर। और पुनः जो है हम आगे बढ़ते हैं और ये मित्र है हमारे साथ, ये बेचारे भी जो है यहाँ पर इसमें तो बढ़ जाता है तो बंद हो जाती है गुफा। अच्छा अच्छा, पानी जब बढ़ता है तो गुफा बंद हो जाती है, बाढ़ आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि गुफा का नज़ारा कैसा था और बिल्कुल लास्ट दर्शन हमने आपको गुफा के अंदर चलकर करवाए। तो अभी बाहर चल रहे हैं दोस्तों, निरंतर ये देख रहे हैं ये विशालकाय पत्थर है और अभी इसे बच बचा के हमें बाहर निकलना है। और अभी इस तरह से हम बाहर चल रहे हैं और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जिस स्थल का अवलोकन आप लोगों को करवाऊं तो उसका पूरा का पूरा परिक्षेत्र आप लोगों को दिखाऊं और कोई भी जानकारी आप लोगों से छूट ना जाए। इसलिए मेरा वीडियो हमेशा लंबा हुआ करता है, ज़्यादा बड़ा हुआ करता है। और इधर मैं आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये जो आस्थावान लोग हैं जिनकी आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हैं ये अभी गुफा में जा रहे हैं। और जैसा कि हम तो होकर आ ही गए और अभी हम बाहर चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी जो है हम गुफा के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं
और यहाँ पर आपको दिखा दें, ये शंकर भगवान है, केशवनाथ है जी। ये लौटते वक्त यहाँ पर जो है आपको ये सारे दृश्य मिलेंगे। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और हम निकास द्वार के समीप हैं। तो ये आप देख सकते हैं लोगों की जो आस्थाएं हैं, जो लोगों की भावनाएं हैं वो। तो अभी दोस्तों हम बिल्कुल निकास द्वार के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से एक बार पुनः मैं कैमरा घुमा के आप लोगों को दिखा दूँ। इस गुफा के अंदर गए थे हम, ये आप देख सकते हैं। और अभी हम बाहर आ चुके हैं निकास द्वार के पास और यहाँ चलते हैं बाहर। ये आपने देखा कैसा है यहाँ का नज़ारा। यहाँ से हम आपको एक बार यहाँ का चित्रण दिखा दें, यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखा दें। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कितना सुंदर और कितना भव्य स्थान है ये। और इसको बंद कर, तो अभी हम आ चुके हैं नीचे और एक बार यहाँ से आप लोगों को अवलोकन करवा दें गुप्त गोदावरी धाम का। ये आप देख लीजिए पहाड़ों की सुंदर वादियों के नीचे बसा गुप्त गोदावरी धाम, जिसका अवलोकन अभी आपने किया। और ये जो सामने जल प्रवाह देख रहे हैं ये वही जल है जिसका अवलोकन अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको करवाया। ये गुप्त गोदावरी का बहता हुआ जल है जो बाहर आ रहा है। और बताया जाता है कि ये जल सिर्फ यहीं तक सीमित है, अगर इसका संपर्क जमीन से हो गया तो ये जल गायब हो जाता है, फिर उसका कोई अता पता नहीं चलता है। और ये यहाँ पर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये गुप्त गोदावरी के जल की हैं और ये गुप्त गोदावरी स्थल है। और एक बार इधर से चारों तरफ का नज़ारा हम आपको दिखा दें, जो यहाँ पर पहाड़ों की सुंदर वादियाँ हैं और पहाड़ों की सुंदर वादियों के बीच में बसा ये गुप्त गोदावरी तीर्थ स्थल कैसा है, पवित्र स्थल कैसा है, ये आपने देखा। तो इस तरह से आज हमने आपको अवलोकन करवाया चित्रकूट धाम के गुप्त गोदावरी का, और जो कि मध्य प्रदेश जोन के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज की यात्रा को, ताकि इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।